आज का जो वीडियो है वो एक्चुअली प्रीवियस वीडियो का ही एक्सटेंशन है। कुछ ऐसे और एक चार डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिनके फील्ड का फॉर्मूला हमको याद रखना है, बिकॉज प्रॉब्लम से बहुत यूज़ होता है। ठीक है, तो फटाफट तीन ही चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिनका फील्ड का फॉर्मूला हमको याद रखना है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आता है अपोजिटली चार्ज्ड शीट्स, और ये जो शीट्स है दिस आर इनफाइनाइट शीट्स। मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से ये समझाया था कि इनफाइनाइट शीट्स हम कब कंसिडर करेंगे। दैट मीन्स इस वक्त हम जो फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे वो जो लोकेशंस होगा, दिस लोकेशंस विल बी वेरी क्लोज टू दिस शीट्स। इफ इट इज़ वेरी क्लोज देन द शीट्स विल बिहेव लाइक इनफाइनाइट शीट्स। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दिस आर टू इनफाइनाइट शीट्स, एक को हमने पॉजिटिवली चार्ज करके रखा है, एक को हमने नेगेटिवली चार्ज करके रखा है। एक में प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, एक में माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। प्लस का माइनस पसंद है, सो दे आर गोइंग टू स्टे एज क्लोज टू इच अदर एज पॉसिबल। तो शीट के इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और शीट के इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी हमको फील्ड बताना है। फील्ड, राइट? व्हाट इज फील्ड? फील्ड इज एक्चुअली द फोर्स एक्सपीरियंस बाई प्लस वन कॉलम चार्ज। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? ओके, नाउ मैं चाहूँगा कि तुम ये विजुलाइज करो कि अभी अगर यहाँ पर एक प्लस वन कॉलम बैठा हुआ है, तो ये जो पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज है ये प्लस वन कॉलम को क्या करेगा? धक्का देगा, रिपेल करेगा। दैट मीन्स इसके कारण यहां पर जो फील्ड बनेगा वो फील्ड कितना होगा? हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि शीट के लिए कितना होता है, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर? ये जो मैंने फील्ड बनाया ये सिर्फ पहले वाले शीट का कंट्रीब्यूशन है, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। अभी भूलो मत, यहाँ पर एक नेगेटिव शीट ऑफ चार्ज भी है, ये भी क्या करेगा? प्लस वन कॉलम को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, राइट? अगर अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? प्लस वन कॉलम चार्ज। प्लस वन कॉलम चार्ज को इस तरफ वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, एंड अट्रैक्ट विद द फोर्स ऑफ अगेन व्हाट? सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? दैट मीन्स इस पॉजिटिव शीट का फोर्स का डायरेक्शन और इस नेगेटिव शीट का फोर्स का डायरेक्शन आर अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगा? सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब बीच में जो रिजल्टेंट फील्ड होगा, दैट रिजल्टेंट फील्ड विल बी इक्वल टू, मैं चलो यहाँ पर लिखता हूँ, दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द रिजल्टेंट फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। देखो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, द टू प्लेट्स आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड। मतलब इनके बीच का स्पेसिंग बहुत कम है। मतलब अगर तुम बीच में खड़े हो जाओगे ना, दिस प्लेट्स विल लुक लाइक इनफाइनाइट शीट्स। इज दैट क्लियर? ओके, अभी हम इस तरफ देखते हैं, समवेयर हियर। अगर मैं यहां देखता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो ये जो यहां पर कौन बैठा हुआ है, हम फील्ड निकालना चाहते हैं, यहां पर कौन बैठा हुआ? प्लस वन कॉलम चार्ज बैठा हुआ है, दिख रहा है सबको? दिमाग से देखो, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो नेगेटिव शीट है उसको क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा विद द फोर्स ऑफ व्हाट? सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर? समझ आया? और ये जो पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज है ये इस प्लस वन कॉलम को रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, और उसका फोर्स कितना हो जाएगा? इन दिस केस द फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर? व्हिच मींस दिस टू फील्ड्स आर गोइंग टू कैंसिल आउट ईच अदर, एंड द रिजल्टेंट फील्ड इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। मतलब इस तरफ जो रिजल्टेंट फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक, अब इस तरफ देखते हैं। अभी अगर मैं इस पॉजिटिव शीट का कंट्रीब्यूशन देखना चाहूँ, पॉजिटिव शीट यहाँ पर जो प्लस वन कॉलम है उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट कुछ इस तरफ बनेगा, ठीक है ना? सिमिलरली अभी ये जो ये नेगेटिव शीट है, नेगेटिव शीट का भी कंट्रीब्यूशन हमको देखना है, बिकॉज ये भी इस तरफ फील्ड बनाएगा। इसका जो फील्ड होगा, यहाँ जो प्लस वन कॉलम चार्ज है उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। दैट मीन्स द फोर्स विल बी समवेयर अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, दिस इज सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो इस जगह का अगर मैं पूछूँ रिजल्टेंट फील्ड कितना होगा, दैट इज डेफिनेटली जीरो, बिकॉज दे आर गोइंग टू कैंसिल आउट ईच अदर। तो यहाँ पर भी फील्ड क्या हो गया? यहाँ पर भी फील्ड जीरो हो गया। समझ में आया? ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सा अरेंजमेंट है। आगे जाके कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, वहाँ पर ऐसा ही चार्ज अरेंजमेंट तुमको फिर से मिलेगा। ध्यान से देखो, स्पेशलिटी क्या है, अगर तुम्हारे पास ऐसा दो शीट्स है ना, तो तुमने बेसिकली क्या किया, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सिर्फ इसके अंदर ही ट्रैप करके रख दिया, क्योंकि यहाँ फील्ड नहीं है, यहाँ पर भी फील्ड नहीं है, सारा फील्ड इन दो प्लेट्स के बीच में ट्रैप हुआ। सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस अरेंजमेंट। इसका और भी इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस आगे जाके जब हम कैपेसिटर्स का चैप्टर स्टडी करेंगे, इसको मैं और जस्टिफाई करूँगा कि ये हमारे लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट क्यों है, ठीक है ना? फिलहाल इसको यहाँ रोकते हैं, आगे चलते हैं। ये क्या है? दिस इज ए सेमी सर्कुलर वायर जिसमें हमने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है।
ध्यान रखना, ये जो सिग्मा हमने यहाँ पर लिखा था दैट वॉज सरफेस डेंसिटी, बट अभी यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ दिस वायर, सो दिस विल बी ए लीनियर डेंसिटी है, लगा से दैट इज लैम्डा कोलम पर मीटर, ठीक है ना, लैम्डा कोलम पर मीटर। हमको क्या निकालना है, हमको इस पॉइंट में रिजल्टेंट फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, रिजल्टेंट फील्ड, ठीक है। मैं डिराइव नहीं करूँगा, मैं सिर्फ डायरेक्टली ये कह रहा हूँ कि इस तरफ का जो रिजल्टेंट फील्ड है दैट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन एंड दिस फील्ड इन दिस केस विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू छोटा आर, छोटा आर इज द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कुलर वायर, इज दैट क्लियर, समझ आया। देखो फर्स्ट थिंग दैट यू कैन आस्क मी, सर आपको कैसे पता कि फील्ड ऐसा ही होगा, सिर्फ मैं बताता हूँ कैसे। अगर मैंने यहाँ पर एक सिमेट्री लाइन बनाया तो इस लाइन के ऊपर जितना सेक्शन ऑफ वायर है, लाइन के नीचे भी उतना ही सेक्शन ऑफ वायर है, ऊपर जितने सारे चार्जेस होंगे नीचे भी उतने ही सारे चार्जेस हैं। तो देखो अगर मैंने यहाँ पर एक चार्ज कंसिडर किया, ये फील्ड ऐसे प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। सिमिलरली उसका और एक पार्टनर यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा और ये फील्ड ऐसा प्रोड्यूस करेगा। तो इस फील्ड का जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स है दे विल कैंसिल आउट एंड ओनली द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट विल स्टे अलाइव, समझ में आ रहा। चलो मैं बना के ही दे देता हूँ। लेट अस से कि यहाँ का जो फील्ड है इसके कारण यहाँ पर जो चार्ज है उसके कारण कुछ यहाँ पर फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा और यहाँ पर जो चार्ज है उसके कारण ऐसे कुछ ऐसा फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा एंड बाई सिमेट्री हम आराम से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों फील्ड्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम ई, और ये एंगल्स भी क्या होगा, सेम। सो ये जो ई है, चलो मैं इसको ई डैश देता हूँ, नहीं तो इस ई के साथ कंफ्यूज कर जाओगे। इन ई डैश का जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स है दे विल कैंसिल आउट, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ही जिंदा रहेगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रेट करेंगे तो वर्टिकल कॉम्पोनेंट बचेगा नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट बचेगा और सारे हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट का रिजल्टेंट फील्ड का वैल्यू यही होगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अगर और कन्विंस करना है अपने आपको, छोटा सा इंटीग्रेशन है, खुद से करना है, यही आएगा आंसर, ठीक है, करके देखना है। और ये क्या है, दिस इज ए क्वार्टर वायर, ऐसा ही है, क्वार्टर वायर है और इसका डेंसिटी भी हमने वही रखा, दैट इज लैम्डा कोलम पर मीटर। अभी हमको इसका रिजल्टेंट फील्ड बताना है, इसका एक फील्ड इस तरफ आता है दैट इज लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, दूसरा फील्ड इस तरफ आता है और इसका वैल्यू भी होता है लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस क्वार्टर सर्कल, इज दैट क्लियर। यहाँ पर भी तुम आराम से खुद एक बार सोचना कि वाई डायरेक्शन में फील्ड ऐसा क्यों आ रहा है, यू शुड बी एबल टू आंसर दिस बिकॉज मैंने इसको बहुत बार समझाया। इन सारे चार्जेस के लिए ना एक बार दिमाग में अपना फील्ड, दिमाग में एक बार विजुलाइज करना कि फील्ड किस तरह है और सारे ई वेक्टर्स का वर्टिकल कंपोनेंट किस तरह आ रहा है, इट विल ऑलवेज कम डाउनवर्ड, देखना एक बार, ठीक है ना। सो ये जो क्वार्टर चार्ज्ड वायर है उसके लिए ये है फील्ड, और ये जो मैंने फॉर्मूलाज दिया, दिस आर ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज, तुमको ये याद रखना बिकॉज आगे जाके हमको प्रॉब्लम में चाहिए होगा, ठीक है, फाइन। लेट्स क्लोज इट हियर, अच्छे से कॉपी करके रखना, ओके।